हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. आज मैं हूँ अगेन आइसलैंड में. सो आज मैं स्टार्ट करूँगा अपना डे सिक्स. ये मेरा होटल है. आई डोंट नो इसको होटल कहेंगे बट ये क्यूट सा कोई इन्होंने शेड बनाया है इस तरह का. वहाँ पे मैं ठहरा हूँ. ये जो आप गिलास देख रहे हैं ये किचन एरिया है और इन्होंने कुछ शेड यहाँ भी बनाए हुए हैं और ये देख सकते हैं सराउंडिंग. आपको मैं बताता हूँ मैप के थ्रू कि मैं अभी किधर हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ. Right, so I'm starting my day 6 from my iftan that I stayed last night. Then my plan is just to move towards the west coast of Iceland and exploring more north of Iceland. So I will go to Striper, then I will go to Húsavík, Godafoss Waterfall, Akureyri, which is the second largest city, and I'm gonna stay in the area called Heimdalsliðr. So, dekhte rahe, stay connected. See you in a bit. तो इस जगह का नाम है स्ट्राइपर. हेल्प अस टू प्रोटेक्ट नेचर. द लावा रॉक्स आर फ्रेजाइल एंड ईजली डैमेज. अब कितना प्रोटेक्ट करोगे लावा रॉक्स को भाई. हर जगह लावा रॉक्स ही हैं. यहाँ पे पूरी दुनिया लावा रॉक्स है भाई. फटी है ज़मीन तो जब ही तो फॉर्म हुई चीज़ें सारी. हेलो. सो मैं यहाँ पर आया था स्टट ग्रासल. आई डोंट नो क्या नाम है जगह का. तो इस जगह पे हर जगह जो है वो क्रेटर्स बने हुए हैं. इसको कहते हैं सूडो क्रेटर्स. वो सूडो क्रेटर्स जो फॉर्म हुए हैं वो फॉर्म किस तरह है कि लावा जब पानी से मिला है तो इस तरह का एक शेप सा बन गया है. मैं थोड़ा बहुत चेकआउट किया है बट वो ये है कि गड्ढे हैं उसमें घास उगी हुई है. तो कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको मुझे देख के ऐसा लगा यार ये तो बहुत आला जगह है. आई थिंक अगर आपके पास ड्रोन हो और ड्रोन ऊपर उड़ाएँ तो एरियल व्यू उसका बहुत ज़बरदस्त आएगा. मेरे ख्याल से अभी ये क्रेटर बहुत सारे बने हैं. अगर ऊपर जाएगा तो फिर आपको सही से दिखेगा. लग रहा है कि लगेगा कि जैसे मार्स में से क्रेटर बने हुए इस तरह के क्रेटर्स हैं यहाँ पे. तो बस अब निकलेंगे नेक्स्ट. हेलो मैं हूँ गोडाफॉस में. गोडाफॉस एक वाटरफॉल है. गॉड ऑफ फॉल्स का मतलब है गॉड ऑफ ऑल वाटरफॉल्स. इसका नाम कहाँ से आया. इसका नाम इसके पीछे बहुत अच्छी हिस्ट्री है. ये एक छोटा सा टाउन है. इस टाउन का नाम है लजोवेस्टन जो भी नाम है इसका. मैं नीचे लिख देता हूँ खुद ही पढ़ लें. उस टाउन में जो है उसने क्रिश्चियनिटी जब फॉर्मली एक्सेप्ट करी इन ईयर समवेयर इन 1000 AD वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने के बाद कि वो अपने जो बुत होंगे जिसको वो पूछते हैं उसको उन्होंने इस वाटरफॉल में डंक किया और बहा दिया सारा. तो इस वजह से इस वाटरफॉल का नाम उस इवेंट की वजह से ड्राइव हुआ है गोडाफॉस. तो शॉर्ट्स देखें आप. मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं.
हेलो, सो मैं आया हूँ हुसाविक में, एक छोटा सा टाउन है, और मैं अब यहाँ पे घूम रहा था तो मुझे हुसाविक वेल म्यूज़ियम दिखा, जो कि उधर है हुसाविक वेल म्यूज़ियम। ये स्पर्म व्हेल का लोअर जॉ है, इसकी हाइट देखें आप। अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं इसके आ रहा हूँ यहाँ पे, इस जगह पे, हाँ इस जगह पे आ रहा हूँ मैं, मतलब सेकेंड उस पर। और देखें आप कितना बड़ा है। Look at the size, यार इज मैसिव। ये ब्लू व्हेल का स्केलेटन है जो 25 मीटर लॉन्ग है, और लेट समर पे, समर 2010 में ये शोर पर आ गई थी बहते बहते। अच्छा, ये आप अभी देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप की व्हेल्स हैं जो यहाँ पे सबका स्केलेटन लगा हुआ है। सबसे जो मुझे फैसिनेट करा है इसने, बाकी सभी ने फैसिनेट करा है, एक जो शार्क है, शार्क नहीं वेल है, उसे करवियर बीक्ड वेल, इसका जो स्केलेटन है वो पहली बात है, ये स्पीशी जो है ना, इतनी रिसर्च इस पे हुई नहीं है क्योंकि ये डीप सी स्पीशी है और इसके बारे में इतना पता नहीं है लोगों को। ये वन, मतलब एक ही दफ़ा कहते हैं कि आइसलैंड की हिस्ट्री में ये जो वेल है वो स्टैंडर्ड हो गई थी शोर पे, और वहाँ से इसको लेकर आया गया है। तो ये काफ़ी रेयर टाइप की वेल है, बाकी आप काफ़ी कॉमन है। हेलो, मैं हूँ हुसाविक में। हुसाविक एक टाउन है बड़ा खूबसूरत सा, और नॉर्थ ऑफ आइसलैंड। इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 2200 लोग हैं, 2200 पीपल लिविंग हेयर। और इसकी जो प्रॉपर जो इकोनॉमी है जो हुसाविक की, वो है फ़िशिंग पे। मेजॉरिटी ऑफ द जो इकोनॉमी है वो आइसलैंड की फ़िशिंग इंडस्ट्री पे बेस करती है। और बहुत अच्छा टाउन है, मैं आपको दिखाता हूँ। So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do. जी मेरे भाई, तो मैं होके आ गया हूँ जियो थर्मल बाथ से, और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी लोग नहीं थे, ये काफ़ी अच्छी बात थी, इतना क्राउड नहीं था, और काफ़ी रिलैक्स लगा। मैंने जाके सोना भी गया, और
सोना में बैठा 10-15 मिनट, मगर ये कि आप वहाँ कैमरा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्टीम आई थी लेंस पे, तो मैं वो शॉट नहीं ले सका, मगर काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, अब मैं कहाँ जाऊँगा मुझे खुद नहीं पता तो मैं देखता हूँ रेंडमली और जगह चूज़ करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ कहीं। एक होटल में चेक इन किया है, इसका नाम है गेस्ट हाउस हिम्स लेवर और ये बहुत ही हटके है, इवन गूगल मैप भी रिकगनाइज़ नहीं करता। मैंने गूगल मैप पे डाला और ये बिल्कुल ही डिफरेंट एरिया दिखा रहा था, बट लकीली मैंने कॉल कर ली थी इन एडवांस, तो उसने मुझे कहा था रोड 759 पकड़ना और उससे सीधा सीधा आया, और रोड 759 जो है वो रोड नहीं थी, वो पत्थरों वाली रोड थी, और उसमें से 5 किलोमीटर की ड्राइव के बाद मुझे ये होटल पहाड़ के ऊपर मिला है। अभी मैंने जो आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, अभी मसला ये है कि मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि हम लोग जो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और तमाम जो होटल की सराउंडिंग है वो बादलों ने घेर ली है, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हर जगह से बादल ही बादल है। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप खुद ही जज कर लीजिए कि मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूँ या वाकई में, या मैं झूठ बोल रहा हूँ या वाकई में ऐसे ही है। ये देखें आप, कल मुलाकात है day 7 और स्टे कनेक्टेड, आपको और मैं दिखाता रहा हूँ आइसलैंड। गुड नाइट एंड शब खैर। Sit.